दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर स्वागत है आपका थ्योरी ऑफ मशीन के नए लेक्चर में, जिसका आज का टॉपिक है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में भी हमने एक टॉपिक उठाया है, फ्रिक्शन की वीडियो हमने पूरी डाल दी है। इंक्लाइंड प्लेन, ये फ्रिक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल आ चुकी है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिव्यू मैं दे देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट बताया था बॉडी एट रेस्ट में, जिसमें W अपन मानते हैं वेट ऑफ बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ जाते हुए। Rn है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। F डैश है हमारा फोर्स रिसाइडिंग द मोशन ऑफ बॉडी। इसी में एक दूसरा टॉपिक आता है मोशन अप द प्लेन। इसमें इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं पेपर में आने लायक, जो मैं आपको करवाऊंगा अभी। इसमें होता है अल्फा। अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। और थीटा, एंगल ऑफ द फोर्स एफ विद डायरेक्शन ऑफ W। इसका एक फॉर्मूला भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल टू प्लेन, थीटा 90 प्लस अल्फा। एफ इक्वल्स टू W साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ये इसका फॉर्मूला है। इस बेस पे चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। 5 से 6 नंबर के मैंने क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस टाइप में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बताता हूँ। तो ये हमने एक क्वेश्चन लिया है, बॉडी इज मूव अप द इंक्लाइंड प्लेन बाय द अप्लाई फोर्स पैरेलल टू द प्लेन सरफेस डेट ए फोर्स ऑफ 3 kN। 3 kN में फोर्स दी हुई है, कौन सी है? पैरेलल टू प्लेन। और क्या? मूविंग अप द प्लेन एंगल, यही हो गया मोशन अप द प्लेन। फॉर्मूला ये लगेगा, एंगल हमें दिया है 10। और फोर्स नीडेड इंक्रीज, जब फोर्स इंक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होने पर हमें मिली है 4 kN, तो एंगल भी इंक्रीज होगा। एंगल इंक्रीज हो गया 15, फोर्स हो गई 4, पहले थी 3, एंगल था पहले 10। फाइंड, हमें क्या करना है? फाइंड द वेट ऑफ बॉडी एंड कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमें फाइंड करना है। द फोर्स इज अप्लाई टू द पैरेलल, मैंने कहा था ये फॉर्मूला लगेगा, इसको आप याद कर लेना फॉर्मूले को। एफ हमें दिया हुआ है, ये रहा 3 kN क्वेश्चन में। 3 kN को हम 3000 लिख सकते हैं, 4 kN को हम 4000 लिख सकते हैं बस। तो ये सब फॉर्मूले अपन पुट कर देंगे। एफ हमारा 3000, अल्फा हमारा 10 डिग्री है, म्यू हमें दिया नहीं है, कॉस हमें 10 डिग्री लिख दिया। दूसरे में हम जो इंक्रीज बढ़ के आई है बाद में, उसको भी लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं फॉर्मूले। एफ 4000, W नहीं है, साइन इसमें अपन को इंक्रीज करके 15 डिग्री दिया है, 15 डिग्री लिख दिया, म्यू कॉस 15। ये हमारी बन गई इक्वेशन 1, ये बन गई इक्वेशन 2। अब डिवाइडिंग 2 एंड 1, ये बन गई हमारी इक्वेशन, ये हमने डिवाइड कर लिया। अब हम इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इनसे, इसका इनसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आया 4000 साइन 10 प्लस म्यू कॉस 10 इक्वल्स टू 3000 साइन 15 म्यू कॉस 15। तो हम क्या करेंगे, 4000 को इसके नीचे भेज देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75। ठीक है, ये सेम एडिट, सेम का सेम रहेगा, ये सेम का सेम रहेगा। तो 3000 डिवाइड बाय 4 कर देंगे इसमें, तो 0.75 आएगा और सब सेम है। अब हम क्या करेंगे, म्यू को एक तरफ ले आएंगे और कॉमन कर देंगे लाके, म्यू कॉस 10 ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 0.75 कॉस 15। और ये इससे इंटू हो जाएगा तो 0.75 साइन 15 आ जाएगा, तो ये साइन 10 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.2604 म्यू, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.0205। इसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करके देख सकते हैं, यही इक्वेशन आएगी। अब हम उनको म्यू निकालना है, ये म्यू निकालना है। म्यू निकालने के लिए क्या करें, 0.025 के अपॉन में कर देंगे 0.2604,
ये कर दिया हमने, हमारी म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.786। अब हम क्या करेंगे, म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन वन में, इसमें यहाँ पे 3000 है, डब्ल्यू साइन 10 प्लस म्यू की वैल्यू, ये देखिए म्यू हमने पुट कर दिया यहाँ, और कॉस 10 का कॉस 10, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगी डब्ल्यू की वैल्यू। तो डब्ल्यू इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3000 के नीचे, डब्ल्यू इक्वल्स टू हमारा आ गया 11952N। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख सकते हैं, ये इक्वेशन आएगी, नंबर आएगा। तो हमें किलो एन में चाहिए, डब्ल्यू इक्वल्स टू 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 11.95 kN हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत हो तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।